तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट नंबर करने पे हमको एवरेज अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये, अगर हम आज हम आपको एसी से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे ताकि आप कभी भी, खासकर बारिश के टाइम में या ठंडी के टाइम में, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है जो हम बता रहे हैं आपको। और कुछ ऐसे जानकारी देंगे कि नॉर्मल दिनों के अंदर भी आपको बहुत काम आने वाली है। जैसे कि बात कर लेते हैं, इस टाइम अभी बारिश का स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट भी हो चुका है। बारिश में क्या होता है, इधर पूरा ग्लास में ना फॉग जम जाता है, इधर पूरा फॉग जमा रहता है, बारिश में पूरा फॉग जम जाता है इधर ग्लास में। तो जिनको पता है उनके लिए अच्छा है, अगर जिनको नहीं पता है कि फॉग जैसे जम जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे फॉग इधर आ गया ग्लास में तो उसको क्या करना चाहिए, क्या साफ़ करना चाहिए हाथ से, या किसी टिशू पेपर से साफ़ करना चाहिए, या न्यूज़पेपर से, या किसी भी मतलब पेपर से इसको साफ़ करना चाहिए, कागज़ के टुकड़े से। और जिनको पता है वो भी सुने और जिनको नहीं पता वो भी सुने। तो इसमें जैसे फॉग आता है ग्लास में तो इसमें एक सेटिंग होती है, ज़्यादातर सभी मालूम रहती है, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देते हैं। जैसे कि कार हम स्टार्ट कर लिए, ठीक है, अब मान लो इधर फॉग जम जाता है, इधर फॉग जम जाता है, तब क्या करेंगे, ऐसे में ये एसी चालू कर दिए, ठीक है, एसी चालू कर दिए, एसी चालू कर दिए, तो अभी क्या होएगा कि ये जो अभी ये देखो मेन पॉइंट यहाँ पास है, ये क्या बताता है कि ये सिर्फ हमारे चेहरे की तरफ हवा देगा, जो एसी कूलिंग या हवा है, एयर है, जो ये हमारे चेहरे की तरफ ही देगा, फेस पे, ठीक है। और मैं तुमको एक सेकंड ज़रा सा, ये देख सकते हो, मैं ज़रा एक कागज़ का टुकड़ा लेता हूँ, ये देख सकते हो, ये सिर्फ फेस की तरफ देगा, कहने का मतलब सिर्फ ये ब्लोअर में से हवा आएगी, ठीक है, ये सिर्फ हमारे चेहरे की तरफ हवा देगा इसमें, ये सेटिंग। और अगर हम ये सेटिंग करते तो क्या होगा, ये सेटिंग करने से ना आपके थोड़ा हवा कम हो जाएगी, इधर भी देगी, कहने का मतलब इधर भी देगी और नीचे पैर पे देगी, हमारे पैर पे देती है इधर साइड और इधर साइड, कहने मतलब पैर पे देगी। ये सेटिंग करने पर ये बताता है कि आपके पैर पे हवा जाएगी कूलिंग और आपके चेहरे पे जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये डायरेक्ट पैर पे देती है, फिर इधर से इधर ये बंद हो गया, ये देख सकते हो, इधर हवा नहीं दे रहा अभी, ठीक है, तो इधर हवा भी नहीं आएगा। ये क्या करता है, सिर्फ पैर अपने देता है। और फिर ये देख सकते हो, ये क्या करता है, ऊपर देता है और अपने पैर के नीचे देता है यहाँ पास। अभी इधर ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इधर हवा कम दे रहा है लेकिन दे रहा है, क्योंकि आधी नीचे पैर पे दे रही है हवा और आधा ऊपर दे रहा है हवा, ये देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है, जो फॉग इधर जमा रहता है, अगर ये वाला ये फॉग अगर जम जाता है तो ये वाला ज़रूर चालू करें, और ख़ासकर ये वाला, ये क्या करता है, ग्लास पे ठंडी ठंडी हवा मारता है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा इधर से ग्लास पे मारता है, हर एक कार में, सब कारों में ऐसा होता है, इधर से यहाँ होल रहते या ये होल रहते, इधर से भी हवा देता है, इसने ठंडा ठंडा हवा मारता है, तो क्या होता है ना, फॉग होता है वो हट जाता है, तुरंत हट जाएगा जैसे ही आप एसी चालू करके ये वाला मोड चालू करोगे, ये वाला, ये जो ऐसे लाइनिंग तीन तीर के निशान ऊपर साइड गए हैं, सभी गाड़ियों में ऐसे ही चिन्ह आते जाते हैं, तो ये तीन तीर के निशान है ना, ये इधर ये पॉइंट इधर भी कर दोगे ना, तो अभी क्या करेगा, पूरी की पूरी हवा जो इसमें का हवा पूरा बनता है ना,
वो पूरा हवा अभी क्या करेगा, ग्लास पे देगा, तो क्या है ना फॉग रहता है ना वो हट जाता है तुरंत, देखो भी कितना स्पीड में दे रहे हैं, तो जो हवा है ना ये डायरेक्ट ऊपर देता है तो फॉग हट जाएगा। कहने का मतलब ये वाला अगर चालू करेंगे तो वहाँ हवा देगा ग्लास पे ताकि फॉग हट जाए, फॉग हटाने वाला यही है। और ये वाला करेंगे तो पैर पे थोड़ी हवा आएगी और उधर फॉग हटाने पे जाएगा ऊपर वाला ग्लास पे। और अगर ये वाला चालू करेंगे ये वाला मोड, तो ये क्या करता है डायरेक्ट पैर पे देता है, पैर में ऐसा जलन होने लगती है या कैसे भी पैर दुखने लगते हैं, तो ठंडा ठंडा हवा ये करता है, पैर में पसीना आ जाता है जूते में। और ये वाला क्या करता है हमारे चेहरे पे देगा और पैर पे देगा, और ये वाला डायरेक्ट चेहरे पे देता है, पूरा हवा इसमें देता है। दूसरा कि आप ठंडी के दिनों में अगर हमको हीटर चालू करना रहता है तो कैसे चल सकते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा कि गाड़ी ये जैसे ये देखो ये डॉट दिया हुआ है ये क्या करता है कूलिंग करता है, और दूसरा ये वाला ये हीटिंग का है, ये हीटिंग का है और ये कूलिंग का है। जब भी हम ये वाला डॉट इधर रखेंगे तो क्या होएगा कूलिंग करेगा, और इसी को उठा करके अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या करेगा गर्म हवा फेंकेगा, क्या करेगा गर्म हवा। फिर ये नहीं, आप ये मत चालू करना, एसी मत चालू करना, क्योंकि एसी से इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये गर्म हवा आती कहाँ से है, ये गर्म हवा आती है इंजन से, कहने का मतलब जो इंजन हीट होता है जितना ज़्यादा इंजन हीट रहेगा उतनी ज़्यादा गर्म हवा देगा। ठंडी के दिनों में इसको लोग चालू करते हैं, तो ठंडी के दिनों में इसको चालू कर सकते, जब ठंडी का सीज़न आता है तो हीटर चालू करना पड़ता है अपने को, ठंडी लगती है, एसी तो कोई चालू करता नहीं। और इसको चालू भी मत कीजिए, ये चालू करने के बाद हीटिंग नहीं देगा, ये बंद कर लें और ये वाला डॉट इधर ला के छोड़ दें, रेड ग्रीन ये जो ब्लू कलर का है ये कूलिंग करता है और ये रेड वाला हीटिंग करता है, इधर ला के डॉट को इधर छोड़ दो और ये फैन है इधर ऑन कर दो, तो जितना ज़्यादा इंजन हीट होगा धीरे धीरे करके उतनी ज़्यादा गर्म हवा फेंकेगा। और अगर गाड़ी ठंडी है तो 2-4 मिनट 5 मिनट गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें, उसके बाद फिर ये ऑन करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट हवा फेंकेगा। तो हॉट फैन का मीनिंग क्या होता है, जैसे पहले पे चालू किए पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा, चार पॉइंट आते हैं ठीक है, तो चारों पॉइंट में क्या कह सकते, क्या सिर्फ हवा का प्रेशर ही तेज या मतलब स्लो या तेज़ आता है या कुछ और भी मसला है। इसमें मसला ये रहता है कि जैसे देखो ये ऐसा बंद है और ये पहला नंबर चालू किए, इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर है ना कि टाइमिंग, कंप्रेसर कहने मतलब जो टाइम में मतलब बंद होना चाहिए वो लेट बंद हो है, वो जल्दी से बंद हो जाता है, कहने मतलब कूलिंग करता है और बंद हो जाता है, इसमें एवरेज अच्छा मिलेगा आपको ठीक है, इसमें मतलब एवरेज अच्छा मिलेगा आपको, एसी की कूलिंग भी अच्छी और एवरेज भी अपने को मिल गया अच्छा। और दूसरा नंबर ये है इसमें क्या टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाती है, कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चालू रहता है, कहने का मतलब जितना देर तक आपका गाड़ी का कंप्रेसर चालू रहेगा उतनी समझ लो उतना एवरेज कम देगा। अगर हम चौथे पे करते हैं तो समझ लो सबसे ज़्यादा आपका पेट्रोल या सीएनजी खाने वाला है या डीजल खाने वाला है, क्योंकि चौथे पे जब हम कर देते हैं तो जो एसी कंप्रेसर रहता है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कंटिन्यू एसी चालू करके रखता है, कंप्रेसर का जो है ना वो कंटिन्यू चालू रहेगा, तो उससे क्या होता है जब कंटिन्यू एसी चालू रहेगा तो फिर एवरेज नहीं मिलेगा। अगर हम तीसरे पे करते हैं या दूसरे पे करते हैं फिर या फर्स्ट नंबर पे करते हैं तो क्या होता है उससे कि आप फर्स्ट या सेकंड थर्ड पे जितने जैसे इधर पहले नंबर पे करेंगे तो उससे क्या होता है कि कंप्रेसर चालू हो करके थोड़े टाइम में बंद हो जाता है, उसके बाद जो कूलिंग कॉइल अंदर लगा रहता है वो पूरा ठंडा हो जाता है, तो फिर पहले ठंडा ठंडा हवा फेंकेगा इधर से, इधर पूरा ठंडा हवा आएगा, जब उसको लगेगा कि हाँ मतलब अभी गर्म हवा आने लगी है तो फिर से ऑटोमेटिक चालू होता है, ऐसा काम करता है।
उसमें सेंसर भी लगा रहता है एक, जो ज़्यादा कूलिंग होता है तुरंत बंद कर देता है एसी को। दूसरे पे करेंगे तो फिर थोड़ा सा और टाइमिंग हो जाएगी, मतलब और जल्दी से कंप्रेसर चालू होने लगेगा, और कंप्रेसर ज़्यादा जल्दी चालू होगा तो थोड़ा सा एवरेज और थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरे पे ऐसे ही सेम प्रोसेस ऐसे ही है, कहने का मतलब पहले नंबर पे अच्छा मिलता है एवरेज, दूसरे पे थोड़ा कम, तीसरे पे थोड़ा सा और कम, चौथे पे फिर और भी कम। कहने का मतलब पहले नंबर पे चालू करें, एसी कूलिंग भी अच्छी आएगी, उससे एवरेज भी आपको मिलेगा। चौथे नंबर पे मजबूरी रहती है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो इसको चालू कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एवरेज तो कम मिलेगा लेकिन एसी कंटिन्यू हो जाए, कहने मतलब चालू ही रहेगा तो कूलिंग बराबर करता रहेगा। तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट नंबर करने पे हमको एवरेज अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये, अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे में चलते समय ग्लास उतार करके जैसे ग्लास डाउन कर लिए, तो गाड़ी को कभी ना चलाएं। ग्लास उतारने के बाद गाड़ी को कभी ना चलाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम ग्लास को नीचे डाउन कर लेते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे गाड़ी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो हवा को क्रॉस कर सके। इसीलिए देखो, ये जो गाड़ी को बनाया जाता है, जब भी गाड़ी को बनाया जाता है, तो आगे से ना ऐसा हवा क्रॉस होने के लिए उसको पूरा स्लिम कर दिया, नीचे से ऐसा दबा दिया जाता है। आप देखते होंगे लग्जरी कार जितनी भी होती है हवा को काटते हुए चलती हैं, रेस में भी भागती हैं, मतलब पिकअप भी उनका बहुत अच्छा होता है और स्पीड में बहुत तेज़ भागती हैं। और जो ज़्यादा उठी हुई कार होती है वो इतना स्पीड उनके मुकाबले, जो छोटी चपटी हुई कार रहती है उनके मुकाबले इनमें कम स्पीड होती है और कम वो होता है, ताकत होती है लेकिन स्पीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें हवा काटने की मतलब क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये डब्बा टाइप बना रहता है, जैसे वैगन आर देख लो खड़ी है। तो ग्लास उतार दोगे तो हवा है ना अंदर भर जाएगी, हवा अंदर भरेगी तो लोड आएगा गाड़ी को। जैसे आप ग्लास डाउन करोगे, ग्लास डाउन करके कार चलाओगे तो उसमें एवरेज आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर हवा भरेगी तो हमको रेस और देना पड़ेगा, गाड़ी दबेगी। अगर इसी को हम ग्लास ऊपर कर लेते हैं तो चलाते हैं तो एवरेज हमको अच्छा मिलेगा। तो ये रही एसी से कुछ रिलेटेड जानकारी। अगर कोई भी जानकारी अगर छूट गई हो, कोई भी ऐसा कुछ छूट गया हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। और किसी गाड़ी का अगर पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, किसी भी गाड़ी का अगर वो पिकअप नहीं दे रही, एसी चालू करने बाद पिकअप का इशू आ रहा है, तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका भी सोल्यूशन लाएंगे। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ पिकअप के बारे में, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, उसमें वीडियो आपको पड़ी मिल जाएगी।